अमेरिका की ओर से लगाए गए कई आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत में जिस तरह इजाफा किया है वो किसी से छिपा नहीं है। आज ईरान के जखीरे में वो सारी मिसाइलें हैं जो चंद ही मिनटों में इसराइल तक मार करने में सक्षम है, और ईरानी ड्रोन्स की ताकत तो सारी दुनिया ने देख ही ली है कि किस तरह से रूस ने ईरान के कामिकेज ड्रोन से यूक्रेन को दहलाने का काम किया है। लेकिन ईरान इसराइल के साथ अपने बढ़ते तनाव को लेकर अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है, और अब इसी कड़ी में ईरान ने एक ऐसा काम किया है जिससे अमेरिका को मिर्ची लग गई है। दरअसल ईरान ने अमेरिका में बने B-60 पैंटन टैंक को अपग्रेड करके एक नया टैंक बना लिया है जिसका नाम उसने सुलेमान 402 टैंक रखा है। आपको बता दें कि ईरानी क्रांति से पहले अमेरिका और ईरान के अच्छे संबंध थे, और उस वक्त अमेरिका ने ईरान को अपने कई हथियार और टैंक दिए थे जिनमें से ये टैंक भी एक था। हालांकि रिश्ते खराब होने के बाद ईरान को इन हथियारों के पुर्जे नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने M60 पैंटन टैंक को अपग्रेड करके और ज्यादा विध्वंसक बना लिया है। इसको लेकर ईरानी सेना के चीफ कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी और ईरानी सेना की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल केमार हैदरी ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की हैं, जिन्हें देखकर अमेरिका चिढ़ सकता है। और इस टैंक को लेकर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA का कहना है कि सुलेमान 402 टैंक में कमांडर मशीन गन को 2 डिग्री फ्रीडम मोबिलिटी प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है। इसमें एक कोएक्सल मशीन गन और वेपन फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। इसमें एक नया कमांडर ट्यूरेट, रेडियो एक्टिव आर्मर, इंफ्रारेड जैमिंग, स्मोक ग्रेनेड्स, आगे पीछे और एक तरफ कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही इसमें फायर अलार्म और सेपरेशन सिस्टम भी है। IRNA के मुताबिक इस टैंक में नाइट विजन वाले कैमरे भी लगे हैं, जिससे ये टैंक हफ्ते में 7 दिन और रात में भी काम कर सकता है। ये टैंक चलते फिरते टारगेट पर भी हमला कर सकता है। जानकारों के मुताबिक इस टैंक को इस तरह से अपग्रेड किया गया है जिससे ये भीषण हमलों में भी जंग के मैदान में डटा रहे। इसके अलावा ये टैंक हर हालातों में अलर्ट मोड पर रहता है। और अब ईरान M60 पैंटन के सभी पुराने टैंकों को इसी ढर्रे पर अपग्रेड कर सकता है। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर केमार हैदरी जो ग्राउंड फोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान चीफ्टन टैंक्स और BMP-1 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को भी अपग्रेड करेगा। और अगर हकीकत में ये बात सच हुई तो इजराइल ही नहीं सऊदी अरब की भी मिडल ईस्ट में मुसीबत बढ़ सकती है।